अभी हमारे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने कोई पर्टिकुलर वीडियो हमारे पास भेजा और उसमें बहुत बार बार जो वो मोटिवेशनल स्पीकर था बार बार ये कह रहा था कि जो चाहोगे वो मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो सही में मिलता है कि नहीं मिलता है? आइए देखते हैं कैसे मिलता है। सबसे पहले आपको ये जानना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो चाहोगे वो मिलेगा, तो सबसे पहला पॉइंट है चाहत, डिज़ायर, इच्छा। ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है इसको समझिए थोड़ा सा। हम कोई भी चीज़ चाहते हैं, छोटा बच्चा है वो बोलता है अपने पिता से, बोलता है मुझे कोई पर्टिकुलर खिलौना चाहिए, उसको उस खिलौने के बारे में पता कैसे चला? या आपको लगता है कि नहीं मुझे एक पर्टिकुलर कार चाहिए, कोई मर्सिडीज चाहिए, या किसी बच्चे को, स्कूल के बच्चे को लगता है मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल फ़ोन चाहिए, उसको पता कैसे चला? ये आँखों से और इस कान से, हमारे पांचों इंद्रिय जो होते हैं, सेंसेस जो होते हैं, वो बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ इस ध्यान से समझिए, बिकॉज अगर इस कैलकुलेशन को, इस फॉर्मूले को आप नहीं समझे तो बहुत बड़े खतरे में जाएंगे। आप इस तरह की बातें सुनेंगे, जो चाहोगे वो मिलेगा, और आप आंख बंद करके चलते रहेंगे और ऐसी खाई में गिरेंगे कि वापस निकल नहीं पाएंगे। तो चाहत डिपेंड करती है आपकी पांचों इंद्रियों पे, आंख पे, कान पे, जो अपने आप चलते हैं, वो बिन पैदे के लोटे हैं, जहां पर भी कोई भी आदमी घंटी बजा रहा है वहीं चलते रहते हैं। और ऐसे ही लोग ऐसी मोटिवेशनल बातों से जो चाहोगे वो मिलेगा सुन करके और बड़ी बड़ी चाहत करना शुरू कर देते हैं। औकात होती है 5 रुपए की, चाहते हैं 5 करोड़ रुपए। मान लीजिए मैं एथलीट बनना चाहता हूं और मुझे लगता है कि मैं वो 100 मीटर की जो दौड़ है उसको मुश्किल से 5 सेकंड में कर लूं या 10 सेकंड में कर लूं, मुझे ये तो मालूम करना पड़ेगा कि जो दुनिया के फास्टेस्ट आदमी ने कितने सेकंड में दौड़ा है और उसने कितने साल इस चीज़ के लिए रियाज किया है। मान लीजिए मेरी इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ा एक हवाई जहाज़ खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है अंबानी के पास एक बड़ा सा हवाई जहाज़ है, या उनकी तरह एक बड़ा सा बंगला बनाना चाहता हूँ, तो मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए कि वो कितने रुपए का है और उनके पीछे इतिहास क्या है। तो जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो बहुत समझदारी के साथ करनी होगी। बड़ी चीज़ें चाहिए, बड़ी से बड़ी चीज़ चाहिए, लेकिन उसके पीछे उसका लॉजिक समझिए, क्योंकि ये जो आंखें हैं ये बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो सकती हैं। हम लोग भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ और चाहिए। तो पहला पार्ट तो हो गया डिज़ायर या इच्छा, जो चाहते हो, चाहत आपकी। दूसरा पॉइंट है जो मिलेगा। जो भी चीज़ दुनिया में कोई भी अचीव करता है, पता है कैसे अचीव करता है? इस वर्ड को लिख लीजिए, ये बहुत दूर तक काम करेगा। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत अमीर लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस वर्ड को बार बार बात करते हैं, अपने सीए से, अपने प्रोडक्ट मैनेजर से, अपने मार्केटिंग टीम से बार बार इस शब्द को यूज़ करते हैं। पता नहीं आपने अपनी लाइफ में कितनी बार यूज़ किया है। इस शब्द को बोलते हैं प्रॉबेबिलिटी। जी हाँ, किसी भी चीज़ की होने की प्रॉबेबिलिटी क्या है? जैसे दिसंबर में आप सर्दी की प्रोबेबिलिटी क्या है? पिछले साल इस समय तक, अभी आज 1 दिसंबर है, और इस समय तक इतनी सर्दी थी कि मैं इनर पहनता था, ऊपर से स्वेटर पहनता था, इस साल कम है, लेकिन फिर भी सर्दी चल रही है, प्रोबेबिलिटी है। मेरे पास, अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा पैसे कमाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रॉबिलिटी मतलब किसी चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी, चांसेस, 60% चांसेस हैं, 20% चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं। अगर ये चांस आप नहीं जानते, और ये चांस आपके हाथ में नहीं होता है, अगर बारिश में जाएंगे तो आप गीले होंगे, बारिश होना आपके हाथ में नहीं है, धूप होना आपके हाथ में नहीं है, इसी तरह से किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना आपके हाथ में नहीं है, वो एक प्रोबेबिलिटी है। अगर उस प्रोबेबिलिटी को आपने सही तरीके से अपने साथ जोड़ लिया, आपने अपना प्रोडक्ट उस मार्केट में सही टाइम पर ले आए और वो मार्केट उस प्रोडक्ट को पसंद करता है, तब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसी प्रोबेबिलिटी को छोटे भाई अनिल ने इस मुकेश से पहले बनाई थी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी, लेकिन वो समझ नहीं पाए प्रोबेबिलिटी का चक्कर क्या है। अगर इस प्रोबेबिलिटी के चक्कर को आप नहीं समझ पाते हैं तो आप फंस जाएंगे। आज ही हमारे एक बहुत बड़े यूट्यूबर फ्रेंड हैं जो कि कहते हैं आप 75,000 रुपये का लगाइए पैसा और करोड़ों रुपए कमाइए। कुछ एक मॉडल लेकर आए हैं, किसी फ्रेंचाइज का मॉडल लेकर आए हैं, और उनके हिसाब से 75,000 रुपये लगा करके कोई आदमी स्कूल के बिजनेस में करोड़ों रुपए कमा सकता है। मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा इसकी प्रॉबिबिलिटी क्या है? नहीं पता है क्या होगा, गली कूचे में जो लोग भी अपना स्कूल खोलना चाहते हैं निकालेंगे 50,000 75,000 रुपये, दे देंगे उस बंदे को जो कि फ्रेंचाइज बेच रहा है, और सोचेंगे करोड़ों रुपए कमा लेंगे। इससे पहले पूछिए जो लोग पहले से कमा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पड़ोस में एक स्कूल है, 5 एकड़ में स्कूल खुला है और पैसे लग चुके हैं 12 करोड़ रुपए।
कितना पैसा कमा रहा होगा, आज उसका चौथा साल चल रहा है और उसकी जो मंथली इनकम है, जो भी चीज़ आप इस 75,000 रुपये में खरीदने वाले हैं ना, उससे कहीं बेटर वो लगा चुका है, चल रहा है, और उसकी जो मंथली इनकम है उस स्कूल से, अभी मेरी बात हुई थी उनके चेयरमैन से बात हुई थी, बता रहे थे 4 लाख रुपए की इनकम है और उसमें से कट पिट के उनके पास बचते हैं 2-2.5 लाख रुपए। मैंने कहा चलता कैसे आपका स्कूल फिर, इतना बड़ा करोड़ों का बिजनेस? बोलते हैं हमारे दूसरे बिजनेसेस भी हैं, उनके भट्टे हैं और भी उनके पेट्रोल पंप्स हैं। बोलते हैं ये तो हमारा ऐसे ही एक तरह से टाइम पास है। तो मैं समझ गया कि वो अपना इनकम टैक्स का जो चक्कर होता है, ब्लैक मनी का, वाइट वेट ऐसा कुछ होगा। बट आप समझ रहे हैं क्या है, 5 एकड़ का 12 करोड़ का स्कूल 4 लाख रुपये कमा रहा है और ये भाई साहब बेच रहे हैं 75,000 रुपये में करोड़ों का बिजनेस। एक तो आपको एक ऐसी प्रॉबिलिटी बेच रहे हैं जो होने वाली नहीं है। तो प्रॉबिलिटी जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक जो चाहो वो नहीं मिलता है, जो आपको मिलने वाला है वो मिलता है, जिस प्रॉबिलिटी में आप होते हैं वहीं। इससे पहले कि आप जो चाहें वो मिले, मैं चाहता हूँ एक तीसरी चीज़ को समझ लीजिए और वो है आपकी खुद की स्टेट ऑफ माइंड। आप मान लीजिए खूब मर तड़ करके, कोशिश कर करके बहुत सक्सेसफुल होने की कोशिश करते हैं, हो जाते हैं, खुश होंगे आप? देखा गया है जिस चीज़ को आप खूब मर के पाते हैं उसको पाने के बाद फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है। मैं कर चुका हूँ, मेरे बहुत से कलीग फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, बहुत से जो इंजीनियर्स हैं, और वो मैं देखता हूँ उनकी जो करियर चल रही है ना, वो शाम को जब मिलते हैं हमसे बैठ के बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग खुश होते हैं किसी एक चीज़ में कि मैंने आज एक राडो घड़ी पहन ली या मैंने एक कार खरीद ली। एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड हैं जो उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जब मैं उनसे मिला तो मैंने पूछा और क्या चल रहा है डॉक्टर साहब, क्या नया चल रहा है, तो उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि कौन सी बीमारी के बारे में उन्होंने खोज की, किस पेशेंट को उन्होंने ठीक किया, ये सब कुछ नहीं बताया। बोलते मैंने एक नई मर्सिडीज़ खरीदी। अच्छा, मैंने कहा वेरी गुड। मैं बात टालना चाहता था उससे पहले ही, उन्होंने बोल दिया 40 लाख की खरीदी। तो मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने उनको बोलने दिया ये क्या है, जिस काम को आप कर रहे हैं अगर उसमें आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं ठीक रख सके, और माइंड कैसे ठीक होता है, आप ऐसा काम खोजिए जो चीज़ आपको पसंद है और इस माइंड के बैलेंस को समझिए, आपकी इमोशन और आपकी इंटेलिजेंस, बिकॉज ये इंटेलिजेंस ही है जो प्रॉबिलिटी सही जगह पर खोज पाती है, जो समझ पाती है कि बॉस इसमें ज़्यादा प्रॉबिलिटी है, इतना इसमें इतना पैसा लगेगा, चांसेस ऑफ सक्सेस इतने हैं। जैसे आपके बोलते हैं ना टेस्ला के जो मालिक हैं कौन, इलॉन मस्क, बोलते हैं मैं किसी भी बिजनेस को करने से पहले उसकी प्रॉबिलिटी देखता हूँ, उसकी कितनी चांसेस हैं सक्सेस की और कितना पैसा डाल करके मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। ये कहाँ से कर पाएंगे, आपके आई सेंटर से। जिनोगा में पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा तो आप जिनोगा बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर देख सकते हैं। तो वो आपको आई सेंटर से मालूम पड़ता है, और ई सेंटर है आपका इमोशन जो आपको खुश करता है या दुखी करता है। अगर इन दोनों का बैलेंस अगर आप नहीं जानते तो आप पा जाएंगे तब भी दुखी, नहीं पाएंगे तब भी दुखी। इसलिए कोई भी चीज़, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो बहुत खुश आदमी भी है, मेडिटेशन वगैरह भी सीखते हैं, मुझसे कहते थे आशीष भाई मुझे बहुत अर्ली और मालूम पड़ गया कि माइंड के बैलेंस को पहले सीख लो, नहीं तो सक्सेसफुल होना भी बहुत मुश्किल बात है, नहीं तो आप जैसे ही स्ट्रेस पढ़ा शराब कुछ और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देंगे। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिए, जो चाहोगे वो मिलेगा, तब तो बकवास चीज़ें भी मिल जाएंगी, आप दारू भी चाह सकते हो वो भी मिल जाएगा। फाइनली जो भी चीज़ चाहते हैं उसके लिए आप थोड़ा सा रैशनल हो जाइए और सही चीज़ चाहने की कोशिश करिए। जैसे मैं अपने बुढ़ापे में मरते समय ये नहीं चाहता कि मेरे पास एक खूब बड़ा सा बिल्डिंग हो या मेरे पास कोई एस्टेट हो, मेरे पास ढेर सारी गाड़ियाँ हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड हो जिसको पतंजलि और कृष्ण और नानक और बुद्ध जैसे लोग जिसकी बात करते हैं। इसलिए रैशनल होइए, आपकी मर्जी है, आपको जो चाहना है वो चाहिए, बट उसके बारे में सोचिए कि वो चीज़ क्या है और आपको क्या देगी। इसके अलावा अगर आप बिजनेस या किसी और चीज़ में अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो अपने से पूछिए कि इस चीज़ की होने की पॉसिबिलिटी क्या है। कोई बड़ी चीज़ चाहते हैं तो उसको ढेर सारे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है वो ये कि उसके स्टेप्स क्या क्या है, 1 से 2, 2 से 3, और फर्स्ट स्टेप क्या है उसको पाने के लिए। अगर आपने स्टेप्स नहीं समझा तो जो चाहते हैं वो कभी आएगा, खाली दिमागी बादल रहेगा, वो आपके सर में घूमता रहेगा लेकिन कभी आप पहुंचेंगे नहीं। और दूसरी चीज़, उस चीज़ को पाने में एवरेजन किसी फ्रेशर को जो आदमी बिल्कुल नहीं जानता उसको कितना टाइम लगता है। आपको पता है जो बिल गेट्स हैं वो इंटरनेट का काम करते थे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी, एकदम यंग थे बिजनेसमैन, और जो वॉरेन बफेट थे वो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी थे, बहुत बड़े खिलाड़ी। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं था, इसलिए जब भी मौका मिला, दोनों भाई दुनिया के इतने बड़े बिजनेसमैन, इतने बिजी आदमी, दोनों मिलते नहीं थे कभी। एक कहीं पार्टी में जबरदस्ती बिल गेट्स की मदर ने कहा कि आज वॉरेन बफेट आएंगे, अब तुम इनसे मिलो। और उनका ठीक है, माँ बोलती है ना, तो जबरदस्ती जाकर मिलना पड़ा। तो बूढ़े आदमी थे ये यंग बिजनेसमैन, तो बोलते चलो जाके मिल के आ जाएंगे। लेकिन कहते हैं जब उनसे मिले तो 10 घंटे तक दोनों बात करते रहे,
10 घंटे। बिल गेट्स कहते हैं मैं कैसे इस आदमी को छोड़ता, मेरे जितने क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, बहुत लॉजिकल आदमी थे, रैशनल आदमी थे, इनके पास ढेर सारे प्रॉब्लम्स रहे होंगे बिजनेस के, बोलते हैं जितने भी क्वेश्चंस थे सबका आंसर इस आदमी के पास था। तो वो क्या था? यही ढेर सारी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, क्या चीज़ कैसे होती है, उसको टाइम क्या लगता है, बड़े बिजनेसमैन की लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और छोटे अगर बिजनेसमैन हैं तो वो भी, आपकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, अगर उसको पहले से आप एंटिसिपेट नहीं करेंगे तो ये जो सेंटेंसेस सुनते हैं ना बड़े बड़े, आपकी जमा पूंजी आपके जेब से निकाल के फेंक देंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ पैसे बचा के रखो, और आपका माइंड आपसे पैसे से ज़्यादा कीमती है, टाइम ही नहीं, बिकॉज हो सकता है अपने टाइम को आप रिलैक्स करने के लिए यूज़ करें, बट आपका माइंड कहाँ पर आप कंज्यूम करें, कौन सी चीज़ है जिसको आप सीख रहे हैं। अगर आप जिनोगा सीख रहे हैं, BDM सीख रहे हैं, WBX सीख रहे हैं, आप लिमिटलेस सीख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपका माइंड है, आपका टाइम भी नहीं है। लोग कहते हैं हम टाइम बचा करके कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करेंगे? सो जो चाहो मिलेगा, क्या चाहो ये सोचो। तो अगर आपकी चाहत है तो कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए, बहुत हेल्प करेगा, मैंने इसलिए बनाया ही है। नमस्कार। जिनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स इस समय स्पिरिचुअलिटी के सबसे पावरफुल, सबसे इंटेंस ऑनलाइन कोर्सेज हैं। एक बार आप इसको देख लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, आपको किसी भी तरह की किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद अपने मास्टर हो जाएंगे आप। जैसे 1, 2, 3, 4 प्लस माइनस सीखे बिना एक बच्चा मैथमेटिशियन नहीं बन सकता, ठीक ऐसे ही WBX बिना किए आप बिजनेस के बारे में सोचिएगा भी मत, आँख बंद करके बिजनेस होगा वो। BDM पता है क्या है? पिछले 100 सालों में जितने भी बड़े बड़े गलत डिसीजंस लिए हैं लोगों ने, चाहे अकेले लिए हों, चाहे बड़ी बड़ी संस्थाओं के फॉर्म में लिए हैं, उन सब में से एक नॉलेज निकाली गई है, एक इंसाइट निकाली गई, एक मतलब मल्टीपल निकाले गए हैं, और वही है BDM। आज से 20 साल 30 साल 50 साल बाद देखेगा यही चीज़ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद इन चीज़ों को सीखते हैं तो आपका परिवार और आपके बच्चे और आपके जान पहचान के लोग बाकियों से 20 साल आगे हो जाएंगे। इसलिए BDM के छोटा मोटा मत समझिएगा। अपनी भी पर्सनल इश्यूज आप चाहे तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं BDM ज्वाइन करके। आप दिल्ली आ रहे हैं ना लिमिटलेस में 11 जनवरी को, फैमिली रिलेशनशिप को इंटेंस करना, उसमें कैसे खूबसूरती लाएं, बिकॉज यही वो चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा मजबूत बना सकती है या कम्प्लीटली ख़त्म कर सकती है। लिमिटलेस 11 जनवरी दिल्ली, बहुत कम सीट्स हैं, आज ही रजिस्टर करा लीजिए। थैंक यू सो मच।